परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दें, और मैं विश्वास करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे, खुश भी होंगे और अपना पूरा मन बनाए होंगे। आमेन। बैठ जाओ अपने स्थानों पर आराम से, ताकि हम पवित्र वचनों को सुने, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता गहरा मजबूत करें, क्योंकि जीवन सिर्फ परमेश्वर के साथ है। किसके साथ? सिर्फ और सिर्फ किसके साथ? परमेश्वर के साथ। तो इसलिए हम सब उसकी पवित्र हजूरी में हैं, ताकि हम लोग सीख कर समझ कर और भी परमेश्वर के नज़दीक अपने रिश्ते को क्या करें? मजबूत। मैंने क्यों बोला था कि अपना हालेलुया ऊंचा बोलो? क्योंकि कुछ लोगों को हालेलुया से प्रॉब्लम है, संसार के लोगों को, और वो लोग हालेलुया शब्द को है ना ऐसे गलत रीति से बोलकर इसको अपमान करते हैं ना। तो ये वो लोग हैं जो गुलाम हैं दुष्ट के, जो परमेश्वर को नहीं जानते, सचमुच परमेश्वर से दूर हैं, इसीलिए ऐसा करते हैं ना। तो आप लोग तो चुने हुए हो ना। आमेन। तुम्हें बुलाया गया उसके राज्य के लिए। तुम्हें याद रखना, हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। हमारा पैदा होना पृथ्वी के ऊपर मकसद क्या है? यीशु मसीह में हमारा नया जन्म होने का मकसद क्या है? ये तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। अगर तुम्हें यह पता नहीं कि यीशु मसीह में जन्म क्या है, जो हमारा नया जन्म है वो क्या है, मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं तो उस वचन को जो उसने उस वचन को अपने नाम शब्द कर जोड़कर अपना अपना बनाया है कि देखो जीसस ने भी ऐसा कहा है, लेकिन जीसस ने जो कहा था उसको पता नहीं था, उसे तुमने सुनना है, क्योंकि दुनिया में बड़ा कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है जिसमें दुनिया भरमाई जा रही है, दुनिया नाश हो रही है। परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है? नाश हो रही है। तुम्हें पता है तुम्हारा नया जन्म हुआ है? नया जन्म किसको कहते हैं? नया जन्म होता क्या है? हालेलुया। कितने लोगों को पता है ये बात? नया जन्म, चलो एक आधा बताओ। वैसे तो एक बहन नाराज हो गई थी एक एरिए में, मैं एक एरिए में गया था, मैंने ऐसे पूछ लिया तो उसने जो बताया वो राइट नहीं था, तो बाद में उस बहन को कहती इस पास्टर के पास नहीं जाना, वो तो बेइज्जती कर देता। मैंने तुम बड़े प्यार से पूछ लिया, तुम्हें ये पता है? अगर तुम सही आंसर दे दो वेल डन, अगर नहीं दोगे तभी भी कोई बात नहीं, इधर कोई बेइज्जती या ऐसा कोई विषय नहीं है। हम परमेश्वर के लिए बोल रहे हैं, हम सीख रहे हैं, मैं सिखा रहा हूं आपको, मैं आपको तैयार कर रहा हूं। आप एक क्लास में बैठे हो खुदा के चरणों में, दुनिया में एक ज्योति के रूप में प्रकट होकर दिखने के लिए। हालेलुया। तुम्हें कहा गया तुम ज्योति हो, तुम उस ज्योति के लिए तुम्हारा नया जन्म हुआ है। तुम्हें पता है तुम्हारा नया जन्म क्या है? किसको पता है? कौन बताना चाहता है? आगे आओ, एक आधा बंदा, एक बहन, एक बंदा आगे आ जाओ। कितने बंदे खड़े होने चाहते नया जन्म बताने के लिए? आजकल लोग कहते लेडीज फर्स्ट है, बंदे फर्स्ट हो गए। हाँ, इनसे पूछते हैं, चलो सरदार साहब से बताओ। भाई जी, जय मसीह की। जय मसीह की। नया जन्म क्या है? हमारे पापों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाया, और उसके द्वारा जो तीसरे दिन जिंदा हुआ उसके साथ हम भी जिंदा हुए, उसके द्वारा हम हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छा बता रही, जो भी आप बताओगे अच्छा बताओगे परमेश्वर के लिए। चलो ठीक है, परमेश्वर आपको बरकत दे। हाँ, आप बताओ। जय मसीह की। पास्टर जी, हाँ, जय मसीह की। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो हमें पवित्र आत्मा मिलता है। हाँ। और पवित्र आत्मा से हमारा जो पुराना जीवन होता है वो खत्म हो जाता है, और पवित्र आत्मा से हम सोच नहीं होती है और हमारा जीवन नया होता है, वो हमें बदलता है। अच्छा बताया उन्होंने, अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया। उनकी भी सुन लेते हैं, उनकी भी ठीक है। हाँ,
जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। पापा जी, यही जो हम यीशु पे विश्वास करते हैं, जब हम पुराने जीवन में थे, जब हम पाप में थे, गुलाम थे पाप की, तो जब हमारे, जब बाइबल हमें बताती है मैंने तुझे अंधकार में से निकाला है, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके बाद हम नए जन्म में प्रवेश करते हैं, जो हम परमेश्वर से सीखते पवित्र आत्मा का प्रबंध, जब हम उस पर बिलीव करते हैं और हमारा नया जन्म होता है, उसी टाइम से हमारा नया जन्म स्टार्ट हो जाता है। आमीन। यस, अच्छा बताया इसने भी, परमेश्वर उसको भी आशीष दे। सुनो, देखो, तुम्हें यह समझना है नया जन्म। आज मैं तुम्हें और भी बताता हूं, ठीक है, ताकि तुम्हें यह तो समझ आए ना नया जन्म अच्छे से होता क्या है। सुनो, एक बात याद रख लो, ये जो जन्म हुआ है माता पिता से, इसको बोलते हैं शारीरिक जन्म। इसको बोलते हैं, इस जन्म को, पाप का जन्म, ठीक है, जिसमें परमेश्वर ने कहा तुम मरे हुए थे, मतलब हम मौत में थे, ठीक है। और ये जो जीवन है, ये सिर्फ पृथ्वी शरीर की चीजों को समझ सकता है, डिवाइन स्वर्ग की चीजों को, परमेश्वर को, आत्मा की बातों को, स्वर्ग की बातों को ये जीवन नहीं समझ सकता, शारीरिक जीवन। हालेलुया। ये पृथ्वी की सारी चीजें समझ सकता है। धर्मेंद्र शास्त्री जो बातें कर रहा है वो पृथ्वी की है, वो इस छोटे से टुकड़ा, ये भारत देश, इस टुकड़े को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, ये पृथ्वी की चीज है, पृथ्वी की चीज। ये वो नहीं है जो हम लोग प्रचार करते हैं परमेश्वर के राज्य का। परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर आना चाहिए, हर एक को समझना चाहिए। ये धर्मेंद्र शास्त्री जैसे नॉर्मल इंसान क्या जाने स्वर्ग का नियम क्या है। अरे, लाखों लोग उसके पीछे होंगे, बेचारे तरस आता मुझे उन लोगों पर जिन्हें एक दुखी का नहीं पता बेचारों का स्वर्ग की चीजें क्या होती है। तुम्हें पता है यीशु मसीह ने चेलों को क्या कहा था? उसने कहा मैं जाऊंगा वापस स्वर्ग में और वहां से तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा जो स्वर्गदा तुम्हारे साथ रहेगा। जो चीज हमारे अंदर आनी थी पवित्र आत्मा, वो कहां से आना था? स्वर्ग। क्या ऐसा ज्ञान किसी मनुष्य के पास है पृथ्वी में? बोलो। और वो स्वर्ग से जो पवित्र आत्मा आएगा, वो तुम्हें, तुम्हारी मन की आंखें खोलेगा और तुम्हें स्वर्ग के बारे में, तुम्हारा मन खोल देगा सारी बातों को। वो है हमारा नया जन्म, जिसमें हमें परमेश्वर, उसका आत्मिक ज्ञान, उसकी इच्छा हमारे अंदर समझ आ जाए, शरीर का जीवन, पाप का जीवन हमारा खत्म हो जाए और परमेश्वर के लिए आत्मिक जीवन हमारे अंदर क्या आ जाए, पूरी रीति से आ जाए। उसको बोलते हैं नया जन्म। अगर कोई यीशु मसीह में आकर ये जन्म ऐसे उसको लग ही नहीं रहा था, उसका भी नहीं हुआ, अभी भी वो शरीर में, उसका नया जन्म नहीं हुआ, उसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? तो ये जो आपका नया जन्म हुआ था, ये हुआ था ताकि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करें, हम सुसमाचार दें। हमारा युद्ध किसी सिख से, हिंदू से, मुस्लिम से, किसी बाबा से नहीं है। हमारा युद्ध है अंधकार से जो दुनिया में बढ़ रहा है, अज्ञानता का ज्ञान बढ़ रहा है, और इसी के लिए तुम्हारा नया जन्म हुआ है, इसीलिए तुम्हें ज्योति कहा गया है। अगर तुमने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने इस नए जन्म को जिए नहीं, तो तुम्हें तो नए जन्म का कभी अनुभव समझ नहीं आएगा, तुम्हें समझ नहीं आएगी आत्मिक शक्तियां क्या है, तुम्हें समझ नहीं आएगा परमेश्वर का अनुभव क्या है, तुम्हें समझ नहीं आएगी परमेश्वर की फिर ताकत क्या है, क्योंकि तुम शरीर में रहकर, तुम्हें वहां जाना चाहिए था जहां हमारे ही बंदे तेल पानी कपड़ा देकर कहते ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, सारा कुछ हो जाएगा, इससे ला लो अपनी स्लैब्स के ऊपर चीजें, या अटर्नली बातें, या बड़ी बातें, या ताकतवर की बातें, इनका अनुभव चाहते हैं तो आगे बढ़ो। नया जन्म समझो क्या है,
ये प्रैक्टिकली अब तुम्हें जीना है इस जन्म को। इसमें परमेश्वर की ताकत काम करेगी, शक्ति काम करेगी। ये वो नहीं है बाबा जी हाय प्रे कर दो आए गए। ये वो जीवन नहीं है जो तुम्हें परमेश्वर ने दिया है। तुम्हें इसकी ताकत समझनी है, तुम्हें इसका अनुभव समझनी है, तुम्हें समझना होगा, आगे बढ़ना होगा। कितने लोगों के पास पवित्र आत्मा है? पवित्र आत्मा कितने लोगों के पास? पहले हाथ नीचे करो, सॉरी, अब हाथ ऊपर करो। कितने लोगों के पास पवित्र आत्मा है? अब नीचे करो। जिनके पास नहीं है पवित्र आत्मा वो हाथ ऊपर करो, करते जाओ ऊपर हाथ। जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं, ऊंचा करो, ऊंचा ऊंचा। अब तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए? अगर तुम्हें ये सेंस ही नहीं है पवित्र आत्मा क्या है, अब बस आए बैठे चले गए, कभी अलग से आए नहीं, कभी मन बनाया नहीं कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है। हालेलुया। नए जन्म का मतलब ये था कि आपका अंदर सारा खुल जाए और आपको सब स्वर्गीय समझ आ जाए, संसार का ये जीवन खत्म हो जाए और स्वर्ग का जीवन आपके अंदर आ जाए। आत्मा के द्वारा खुल जाए तुम्हारी मन की आंखें, तुम्हें समझ आए परमेश्वर, परमेश्वर का राज्य, उसकी ताकत, उसका अनुभव, वो परमेश्वर तुम्हें दिखे, स्वर्गदूत तुम्हें दिखे। इस जीवन को कहते हैं नया जन्म। ये तगड़ा जन्म है, नॉर्मल जन्म नहीं है। हालेलुया। ये जब जन्म चेलों का हुआ ना, तो उन्होंने पूरा एशिया क्या, यूरोप क्या, अमेरिका क्या, इन देशों को हिलाकर रख दिया। तो हमारा जन्म हुआ तो हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हम तो रोज गुस्सा करते रहते, निक्की निक्की बात, ये पापा जी नाना मिले तो फिर दूजी मिनिस्ट्री चल जाना सी, होते होते हो ही सही। फिर कुछ ना कुछ शरीर की बातें, कुछ ना कुछ बातें। पापा को इतनी बार मिल लिया तभी भी शरीर में ही हो, तभी भी समझ नहीं आ रही है प्रैक्टिकल क्या, तगड़ा मन क्या है, जीना क्या है, खुदा क्या आपके साथ। हालेलुया। क्या से करने के लिए तैयार हो? ये सब कुछ उसके राज्य को फैलाने के लिए, नए जन्म की ताकत को प्रकट करने के लिए। ये क्या है हालात? क्या है शैतानी आत्माएं? क्या है ये तुम्हारे कारोबार की प्रॉब्लम? जब तुम्हें इस जन्म की समझ है, तुम्हें बुलाए जाने की समझ है, तुम्हें चुने जाने पर तुम जतन कर रहे हो अपने आप को सिद्ध करने का, जो परमेश्वर कह रहा है उन बातों पर ध्यान देने का, प्रैक्टिकल तुम्हें ये करना है। जैसे करोगे तुम बड़ी ताकत को देखोगे ईश्वर की। उसके लिए सिखाने के लिए मैं हूं, तुम्हारे पर हाथ रखकर प्रार्थना करने के लिए मैं हूं, तुम्हारे प्रभाव को मैं हटा दूंगा। जैसे हटेगा नेगेटिव प्रभाव, अगला काम तुम्हारा है प्रैक्टिकली जीना। अगर मैंने प्रभाव हटाया अपनी उन्नति से, तुम फिर भी उन बातों को नहीं कर रहे, तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? हालेलुया। और मेरा विश्वास है ये वचन तुम्हारी जिंदगी में आज गहरा काम कर चुका है। मेरा विश्वास है आज तुम इस वचन को पकड़ चुके हो। मेरा विश्वास है तुम बहुत आगे जाओगे, जो तुम ज्योति हो ये प्रकट हो जाएगा तुम्हारा। तुम सुसमाचार प्रचार करोगे, तुम खुदा के लिए जियोगे, उसके कामों के लिए जियोगे। जब तुम जियोगे तो उसकी ताकत को भी तुम देखोगे। और तुमने इस वचन को, आज के वचन को दो बार सुनना है, दोबारा इसको पक्का करना है अपने अंदर। तुम्हें ये प्रैक्टिकल करना है। जैसे तुम्हारा पासपोर्ट बनना, तुमने फॉरेन जाना है, तुम कितनी बार ऑफिस जाते, ये करते हो, पेपर्स ये हो जाए, कितनी बार जाते हो? 2 घंटे 6 घंटे, क्योंकि तुम्हारा शरीर बड़ा काम कर रहा है, तुम्हें शरीर का लाभ समझ आता है। 6 घंटे क्या, 10 बार भी तुम्हें पासपोर्ट ऑफिस दूसरे तीसरे जाना पड़े, जाओगे। लेकिन जब तुम्हें आत्मिक चीज सुननी है दोबारा, तुम्हारा मन ही नहीं है, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, क्योंकि शरीर काम कर रहा है, आत्मिक जीवन काम नहीं कर रहा। आप जानते हो शाऊल का आत्मिक जीवन, उसने जो शुरुआत की थी उसको खो दिया, शरीर में चला गया, और शरीर में जाकर उसने अपना नाश करवाया।
दुष्ट से हारा, लड़ा और पलिश्तियों से मारा गया और परमेश्वर का हाथ उससे उठ गया था, उसकी गलतियों के कारण, उसके शरीर के कारण, जो उसके सामने एक जबरदस्त अगुआ था, आत्मा से फिल था, उसे डायरेक्शन दे रहा था, अगर वो उस डायरेक्शन को पकड़कर बढ़ता जाता तो सिर्फ इज़राइल पर नहीं सैकड़ों देशों पर राज्य करता। अगर तुम आज खुदा के साथ जी रहे हो, मैं तुम्हें डायरेक्शन दे रहा हूं, तुम उसे पकड़ कर चलोगे, तुम बहुत आगे जाओगे। यीशु मसीह, मैं आत्मा से भरा हूं, मेरे अंदर आत्मा काम करता है, मुझे प्राउड है, मुझे फील है इस बात का कि मैं परमेश्वर के साथ अपने सही रिश्ते में हूं। ये मेरे ज्ञान से, मेरे जीवन से लोग समझ सकते हैं। हालेलुया। तो रेडी हो जाओ आज जो आपने सीखा उसको पूरा करने के लिए। प्रार्थना में जाओ, क्योंकि दिन बुरे संसार में और ये बुरे दिन बढ़ने वाले हैं पूरी दुनिया में। एक दिन देखना, तुम इस देश में खाने की कोई कमी नहीं है इस देश में, लेकिन देखना इस देश में एक दिन खाने की कमी आ जाएगी, लोग महामारी आ जाएगी, लोग भूख से तड़फेंगे, खाने को कुछ नहीं होगा, ऐसे भी दिन आ जाएंगे। लेकिन जो खुदा के साथ होंगे, परमेश्वर ने कहा, वो आप जानते हो, परमेश्वर ने कहा जो मुझ पर भरोसा रखते हैं वो उस पेड़ की तरह है जो नालियों के ऊपर लगाया गया, सूखे में भी, अकाल में भी वो फलेंगे, उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे, क्योंकि वो फलेंगे, क्योंकि वो नालियों के ऊपर लगाया, उनकी जड़ पानी में। अगर तुम्हारी जड़, तुम्हारा विश्वास खुदा पर है, आप जानते हो एलिया को परमेश्वर ने एक अहाब राजे को सीधा करने के लिए, क्योंकि उसका पाप बढ़ रहा था, तो अहाब राजा के देश में एलिया जाकर उसके मुंह पर कहता है, मेरे कहे बिना इस देश में ना तो ओस पड़ेगी ना बारिश होगी। 3.5 साल तक काल पड़ गया, मर रही दुनिया, जानवर। परमेश्वर ने उसको एक ऐसी जगह पर ठहराया जहां पर उसके लिए कौए उसके भोजन का इंतजाम कर देते, जबकि खाने के लिए कुछ नहीं था। सोच कर देखो, ये है वो ताकतवर परमेश्वर। जब अकाल पड़ा है, कुछ भी नहीं है उसके पास, एलिया के खाने का पीने का इंतजाम कौन कर रहा है? संसार भूखा मर सकता है। बाइबल में लिखा, शेरों के बच्चे भी भूखे रह सकते हैं। भजन नीति वचन या भजन संहिता में ऐसे बात लिखी है, शेरों के बच्चे भी भूखे रह सकते हैं, लेकिन यहोवा के तालबों को, खोजियों को किसी भी अच्छी वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। हमें किसी अच्छी वस्तु की घटी नहीं होगी, क्योंकि हमारा चरवाहा इस दुनिया का सृष्टि करता है। प्राउड करो, मान करो, सोचो, घर में वर्शिप लगाओ, झूमो, उसकी प्रस्तिश करो, महिमा करो, आराधना करो, अपने घर में 2 घंटे वर्शिप लगाओ अपने स्टीरियो में, और उसकी धन्यवाद करो, उसका गुणगान करो, उसके नाम को महिमा दो, उससे बढ़ो, प्रार्थना में जाओ, अपने रिश्ते को मजबूत करो। ये करने की हमें जरूरत, और जितने लोग ये करेंगे वो आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया। आर यू रेडी? सुसमाचार बढ़ाने के लिए रेडी? उसके साथ जीने के लिए रेडी? उसके कामों को, उसके राज्य को, जो स्वर्गीय, जो जीवन देता है, उसका राज्य। दुनिया इसको नहीं जानती राज्य को, क्योंकि वो शारीरिक है। उन्होंने ढोंग बनाने, ढोंग रचे, झूठे लोग, शास्त्री कहने वाले अपने मुंह से ऐसे बोलते हैं, ये क्रिश्चियन लोगों को प्रलोभन देते, लालच देते, पैसे देते और धर्म बदल देते। आज तक दुनिया में कोई साबित नहीं कर पाया कि कोई क्रिश्चियन ऐसे करता है। अपने मुंह से जब बोलता है, कितना गंदा लगता था, कितना गंदा लगता है शास्त्री कहने वाला बंदा अपने आप को, सोचने वाली बात है। उसको भी पता है ये ऐसे नहीं करते, उसको भी पता है, लेकिन किसके वश में? पाप के। छोटा सा बंदा है, क्या है वो? खुदा ने बनाया था उसे, लेकिन खुदा के विरोध में
नाश हो जाएगा बेचारा। आगे बढ़ो खुदा के साथ, हालेलुया, आगे बढ़ो परमेश्वर के साथ, उसके राज्य को फैलाओ, और जो दुनिया नष्ट हो रही है पाप में, संसार में, शारीरिक जीवन में, उन्हें बचाओ। हालेलुया, इस काम के लिए ही तुम्हारा नया जन्म हुआ है, इसी काम को करने के लिए ही तुम पैदा हुए। यीशु मसीह में तुम्हारी नई सृष्टि, तुम नई सृष्टि, नया जन्म इसी काम के लिए तुम्हारा हुआ है, कोई दूसरा काम नहीं है। परमेश्वर तुम्हारे साथ, अब इस काम को, इस धार्मिकता को, ये धार्मिकता का पाठ है, उसकी ये धार्मिकता है सबसे बड़ी। इस पाठ के लिए तुम कितना जी रहे हो, तुम्हारे अंदर कितनी चाहत आ चुकी, कितना मन है तुम्हारे अंदर इस बात के लिए, ये देखो आप, चेक करो अपने जीवन को। हालेलुया, हमारे अगले महीने क्रूसेड्स है, बड़े बड़े ओवरफ्लो होने वाले, वो इतना विश्वास हमें अपने परमेश्वर पर, हीलिंग जबरदस्त होने वाली, जबरदस्त काम होने वाले। आप भी प्रार्थना में रहना और आगे बढ़ना। अभी तो कलानौर में होने वाला, उसके बाद इधर कपूरथला में होने वाला है, बड़े क्रूसेड फिर पूरी दुनिया में होने वाली, परमेश्वर ऐसे इस्तेमाल करने वाला हमें। तो रेडी हो जाओ, जो आपने सीखा उसको करने के लिए, अपने मन को पक्का करो परमेश्वर के साथ, और जो आज आपने सीखा इसको दोबारा दो बार सुनना, और क्या कहते हैं इसको, आत्मा से चलने के लिए प्रैक्टिकल करो, क्योंकि पवित्र आत्मा ही तुम्हें, तुम्हारी मन, आंखें, सब कुछ नया जीवन प्रकट करेगा। प्रैक्टिकल करो, जैसे मैंने पिछले दिनों में भी सिखाया था, आत्मा के द्वारा कैसे जीना है, चलना है। अगर तुम बोले नहीं, अगर तुमने उसे लिख कर रखा उस पॉइंट को, उसे कर रहे तो मच बेटर। अगर तुम सुनते हो, उठते हो, चल जाते हो, उठते हो, अभी कई लोगों को बस वहाँ जाना, सुसु करना, चलो 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 चलो, हो गया सत्संग। सिंपल लोग, सिंपल सोच, छोटे